नगर के नैशनल हाईवे 344 से हादसा वापरिया। हाईवे की सड़क का सिंगन ट्रक हादसे का शिकार हो गया। NHAI की सड़क का हिस्सा जमीन के धस गया। करीब 30 फुट सड़क हेठा धस गई है, जिससे चलदे एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। 30 फुट हेठा सड़क धस गई है, जो एक बड़े हादसे का कारण भी बन सकती सी। यमुनानगर में गांव डेबर के पास नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा होते होते उस वक्त टल गया, जब एक ट्रक अपनी गति से चल रहा था तो अचानक नेशनल हाईवे की सड़क नीचे धंसने लगी और ट्रक देखते ही देखते उस सड़क में समाने लगा, जिसके चलते ट्रक काफी क्षतिग्रस्त हो गया है और उसको 2-3 JCB की सहायता से बाहर निकाला गया। वहीं पर आसपास के ग्रामीणों का आरोप है कि जब ये नेशनल हाईवे बन रहा था तो इसमें थर्मल पावर की राखी को डाला जा रहा था। कई गांव के लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन ठेकेदार और नेशनल हाई अथॉरिटी ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और जिसके चलते आज परिणाम इस ट्रक को भुगतना पड़ा। देखना होगा कि जिस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर अब भ्रष्टाचारी के आरोप लग रहे हैं तो वह सही साबित होंगे या नहीं। कुलवंत सिंह, देखिए नेशनल हाईवे 344 जी जो कि पंचकुला से रुड़की होते जा रहा है, यहाँ पर तकरीबन रात 2 बजे से ट्रक बैठ गया। इसके आगे कम एक कावड़ियों की एक गाड़ी थी जो कि उनको भी चोटें लगी हैं, पर वो निकल चुके थे, रात 2 बजे का टाइम था। तो यहाँ पर ट्रक का नुकसान ज्यादा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दलाली ठेकेदारों के मंत्री एमएलओ के दलाली आपके सामने दिख चुकी है, यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो चुका है और आगे भी होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की जगह ठेकेदारों ने यहाँ पर थर्मल प्लांट की राखी घेरी हुई है। आगे जो पंच रोड जा रहा है, जो अपना ये कोटा रोड है, वहां पर भी मिट्टी की जगह वहां पर राखी घेरी जा रही है। तो दलाली है यहाँ पर, यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जी। बिल्कुल, ये सड़क हाईवे कम से कम 5 फुट हम नीचे खड़े हैं सड़क के, सड़क नीचे दब चुकी है, टूट चुकी है बिल्कुल। नुकसान यहाँ पर जो कावड़ियों की गाड़ी थी वो टूट चुकी है और जो हमारे पीछे ट्रक खड़ा है ये सारा टूट चुका है। और तकरीबन 8 बजे निकाला यहाँ पर क्रेनों की वजह से, तो कम से कम अभी तक यहाँ पर ना तो NH का कोई अधिकारी पहुंचा, ना कोई प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी पहुंचा यहाँ पर। ये हाईवे कब बनाया गया है? ये तकरीबन 2012-13 का बना हुआ है और मैं बताऊं रोड तो बन चुका है, अभी तक किसानों को इस रोड की पेमेंट नहीं मिल चुकी है, क्योंकि ठेकेदार तो अपनी दलाली करके अपनी पेमेंट ले चुके हैं, पर आज तक किसानों को कोई पेमेंट नहीं मिली इसकी। क्या प्रशासन को कोई अधिकारी यहाँ पहुंचे? कोई भी अधिकारी अभी तक, जिला यमुनानगर का अधिकारी प्रशासन कोई भी नहीं पहुंचे यहाँ पर। क्या कहना चाहिए? इतना बड़ा देखिए, सबसे बड़ी बात है सावन का महीना है, कावड़ियां चल रही है, अगर कावड़ियों को यहाँ चोट लग जाती है इसको जिम्मेवार कौन होता है? कावड़ चल रही है, यमुनानगर प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पर सुविधा नहीं है, अभी तक अंधेरे में चलते हैं, कोई लाइट की संबंध नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, नहीं कोई भी जिला यमुनानगर अधिकारी नहीं पहुंचे। रोड जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये पंचकुला से होता चंडीगढ़ वाला रोड है यहाँ पर। मेरा नाम पवन कुमार है जी, मेरा गांव टेही पड़ता है, टेही सनियान। ठीक है, जो हादसा हुआ है, जो क्या क्या हुआ है? ये जो हादसा हुआ है ना, ये जो प्रशासन ने ठेकेदारों से ठेका दिया गया सड़क का, उस ठेकेदार ने देखो जी 2 फुट का सरिया पैर गया कि इसमें लेंटर के जो बनाते हैं ना, मकान बनाते हैं, ये उसके लिए होता है, जबकि ये 2 फुट का, जो 40 फुट की लेंथ होती ना सारे में पड़े, ये हादसा नहीं होता, रोक लेता जी 2-2 फुट के बीच में, ये जो है ना बिजली बक्स से पैसा खाया गया, जबकि ऐसा तो कभी हो भी नहीं सकता। हम भी मकान बनाते हैं, आज तक हमारी नहीं न्यू बैठी, और ये तो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, पंचकुला से लेकर रुड़की तक जाता है ये रोड, और इसके ऊपर लगभग 50,000 वाहन रोज निकलते हैं। ठीक है जी, और ये कावड़ियों का आना जाना था रोज का, अगर रात को ये हादसा कावड़ियों के साथ होता कितना बड़ा हादसा होता। ठीक है जी, इस हादसे में देखो सामने गाड़ी खड़ी है जी। ठीक है जी, इसमें ड्राइवर बच गया बेचारा, वैसे चोट लगी है उसका जी। ठीक है जी, और ये सब मिली भगता है जी, इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, पता नहीं कैसे अधिकारी ने पास कर दिया इसको, ऐसे तो पास हो ही नहीं सकता। ये सामने आ गया, तो लगभग इसको 5 साल हुए बड़े को,
पांच साल में टूटा पड़ा है, कहीं है इसमें? ये देखो टुकड़ा देखो, ये पार है ना 20-20 फुट के टुकड़े कैसे, ये देखो ये आ गया, हाँ ये आ गया देखो, ये देखो जब कहते 40 फुट की लाइन होनी चाहिए, बताओ इसका क्या फायदा है? ये तो सक्राब लेके पानी सस्ता पड़ता है सक्राब, बताओ ये इससे लुकड़े लुड़कुजे आगे 40 फुट की लाइन होती है, ये बैठा नहीं रह जाए नीचे, मिट्टी भी निकल गई थी इसके।